Now next C program based on previous application of the Fibonacci series. In that case, write a program to check if a number is Fibonacci number and determine the index of the corresponding Fibonacci terms in the series. What do you mean by these programs? In previous case, we are discussing all Fibonacci numbers up to n terms. Means previous case mein enter kya kiya tha n as a term. इस टर्म के बेसिस पर डिस्प्ले क्या कर रहा था ऑल फिबोनैसी नंबर्स मींस अगर n का वैल्यू 10 है देन बिगिनिंग 10 फिबोनैसी नंबर डिस्प्ले कर रहा था अगर n का वैल्यू 15 था देन उस केस में डिस्प्ले क्या हो रहा था बिगिनिंग 15 फिबोनैसी नंबर्स लाइक दैट एज वी नो बिगिनिंग 10 फिबोनैसी नंबर्स आर 0 1 फिबोनैसी नंबर्स क्या है मींस बिगिनिंग फर्स्ट नंबर क्या रहेगा 0 सेकंड नंबर इज 1 रिमेनिंग नंबर्स को कैलकुलेट करें बेस्ड ऑन सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स मींस 0 प्लस 1 इज अगेन 1 1 प्लस 1 इज 2 2 प्लस 1 इज 3 3 प्लस 2 इज 5 5 प्लस 3 इज 8 8 प्लस 5 इज 13 13 प्लस 8 इज 21 34 and so on up to n series or m terms in that case इस केस में प्रोग्राम का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट अगर इस केस में राइट डाउन करें टर्म्स टर्म्स मींस इन दैट केस 0 0 का इंडेक्स क्या है 1 मींस फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म क्या है 1 थर्ड टर्म इज आल्सो 1 फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 10th and up to n terms like that. इस केस में पूछा क्या मिस रन टाइम पर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन प्रीवियस केस में एंटर क्या कराया था नंबर ऑफ टर्म्स लेकिन इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स एंटर ना करा इस केस में रीड क्या करना है कीवर्ड से रीडिंग एनी नंबर्स एनी रैंडम नंबर्स नंबर के केस में जो भी एक्चुअल एंटर्ड नंबर है इस नंबर को कंपेयर किससे करना सबसे पहले नंबर कंपेयर किससे हुआ फर्स्ट टाइम ऑफ द फिबोनैसी नंबर नेक्स्ट टाइम अगर इससे मैच नहीं रहा था नहीं इस मैच कैसे कराएं सेकेंड सिमिलरली थर्ड सिमिलरली फोर्थ एंड फिफ्थ अप टू एन मीन्स इसको तब तक कंपेयर कराना है जब तक ये नंबर या फिबोनैसी नंबर से इस नंबर से बड़े नंबर्स कैलकुलेट होना स्टार्ट ना मीन्स कब तक कंपेयर करना है व्हाइल फिबोनैसी नंबर्स आर लेस देन और इक्वल्स टू एंटर्ड नंबर्स मीन्स इस केस में टर्मिनेशन कंडीशंस क्या रहेगा लूप के लिए प्रीवियस केस में टर्मिनेशन कंडीशन है और नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स्ड है ऑलवेज 1 टू n लेकिन इस केस में ऐसा कोई श्योरिटी नहीं इस केस में एग्जीक्यूशन कब तक कराना है प्रोग्राम का सीरीज कब तक जनरेट करना है मीन्स एवरी टाइम अभी भी आपको फिबोनैसी नंबर्स ही जनरेट करना है लेकिन नंबर्स को डिस्प्ले न करा के फर्स्ट फिबोनैसी सीरीज जो कि कंपेयर किससे हुआ गिवन एंटर्ड नंबर नंबर से नंबर्स के केस में पॉसिबल केस क्या होंगे 3 या तो गिवन फिबोनैसी एंटर्ड नंबर फिबोनैसी नंबर से मैच होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा अगर मैच हो रहा है तो इमीडिएटली डिस्प्ले करा रहे हैं नंबर यस नंबर इज अ फिबोनैसी नंबर एंड इट इज अवेलेबल इन करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस लाइक दैट सेकंड केस क्या रहेगा इफ एंटर्ड नंबर इज लेस देन जनरेटेड टर्म्स और जनरेटेड फिबोनैसी नंबर अगर ये नंबर एंटर नंबर छोटा देन इसको अगेन नेक्स्ट नंबर से कंपेयर करना है इस टाइम फॉर एग्जाम्पल्स वी आर टेकिंग फर्स्ट केस है 21 नंबर इज सपोज दैट एंटर नंबर इज 21 सेकंड केस में कंपेयर कराएंगे इसके लिए समथिंग 15 मीन्स फर्स्ट टाइम में कंपेरिजन किसके लिए करा रहा हूँ वैलिड फिबोनैसी नंबर 21 ऑलरेडी आप इस सीरीज में देख सकते हो 21 कैसा है 21 इज अ फिबोनैसी नंबर्स प्लस ये 21 किस इंडेक्स पर अवेलेबल है नाइन्थ इंडेक्स ऑफ द फिबोनैसी सीरीज लेकिन इस केस में जब लॉजिक्स इंप्लीमेंट करेंगे तो लॉजिक्स को इंप्लीमेंट करने का वे क्या रहेगा सबसे पहले एंटर नंबर कंपेयर किससे कराएंगे फर्स्ट नंबर से नॉट इक्वल मीन्स नंबर्स के केस में इफ नंबर फिबोनैसी नंबर प्रीवियस केस में मैनेज किससे किया था बाय यूजिंग वेरिएबल सी वेरिएबल सी अगर सी का वैल्यू सी क्या है एवरी टाइम सी विल बी रिप्रेजेंटिंग जन नेक्स्ट जनरेटेड फिबोनैसी नंबर्स फर्स्ट टाइम सी का वैल्यू क्या हुआ जीरो नेक्स्ट टाइम वन नेक्स्ट टाइम वन नेक्स्ट टाइम टू थ्री एंड सो ऑन तो किसी भी नंबर को फिबोनैसी नंबर से कंपेयर करना इंडायरेक्टली इसको कंपेयर किससे करेंगे वेरिएबल सी से तो सी के केस में फर्स्ट टाइम इस नंबर का वैल्यू इस केस में फिक्स्ड है 21 सी का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या हुआ जीरो कंडीशन इज फॉल्स दूसरा केस क्या अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है देन आप चेक करना है नंबर मीन्स दिस इज द फर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन क्या है चेक एंटर नंबर इज ग्रेटर देन
सी और नॉट। अगर सी का वैल्यू या तो नंबर से छोटा है, इसे इक्वेस्टी के लिए ऑलरेडी कंपेयर कर चुका हूँ, कंपेयर किसके लिए कराएंगे, लेस देन के लिए। इफ नंबर और इफ सी इज लेस देन नंबर, अगर सी मीन्स फिबोनाची सीरीज गिवन नंबर्स, अगर फिबोनाची सीरीज का करेंट टर्म अगर नंबर से छोटा है, देन अगेन इसको कंपेयर किससे कराएंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से सी में आसान के करा लेंगे, नेक्स्ट फिबोनाची नंबर्स अगेन कंपेयर करेंगे, अगेन कंपेरिजन में चेक क्या करेंगे, या तो इक्वल हुआ या अगेन छोटा हुआ, लाइक दैट। मीन्स नेक्स्ट टाइम किससे कंपेयर हुआ, 21 इज कंपेयर्ड विद 1, नेक्स्ट टाइम अगेन 1, नेक्स्ट टाइम 2 से कंपेयर हुआ, नेक्स्ट टाइम 3 से। इस कंपेरिजन कब तक कराना, जब तक एंटर नंबर फिबोनाची नंबर से बड़ा है, 5 से कंपेयर करेंगे, 8 से कंपेयर करेंगे, 13 से कंपेयर करें, देन फाइनली जब 9th टर्म से कंपेयर हुआ, इस केस में नंबर कैसा है, इक्वल। इस केस में नंबर का वैल्यू ऑलरेडी क्या था, 21, और फिबोनाची नंबर सी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा किसी पर्टिकुलर केस में, 21। इस केस में कंडीशन 2 है, देन इमीडिएटली डिस्प्ले कराएंगे, यस एंटर्ड नंबर इज अ फिबोनाची नंबर विच इज अवेलेबल इन इंडेक्स वैल्यू एज 9 एंड ब्रेक द लूप्स। दूसरा पॉसिबल केस क्या, सपोज दैट वी आर एंटरिंग नंबर एज 15, एज यू नो 15 इज नॉट अ फिबोनाची नंबर्स, अगर आपने 21 के प्लेस पर इनपुट एंटर किया एज अ 15, इफ एंटर नंबर इज 15, 15 के केसेस में इसको मैच कैसे कराएंगे, एवरी फिबोनाची नंबर्स फ्रॉम बिगिनिंग प्लेस, फर्स्ट टाइम इसको मैच कैसे करेंगे, 0 से, देन 1 से, देन 2, अगेन 1, 2, 3, 5, 8, 13, इसका फाइनली मैच कैसे हुआ, 21 से। मीन्स फिबोनाची नंबर सी, सी का वैल्यू क्या है इस केस में, 21, एंड नंबर का वैल्यू क्या है इस केस में, 15, विच इज फॉल्स, फॉल्स है इस केस में, लूप का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हुआ। दिस इज द टर्मिनेशन कंडीशन फॉर लूप। लूप को कितने केसेस में टर्मिनेट कराएंगे, या तो नंबर का वैल्यू फिबोनाची नंबर से बड़ा है, सॉरी छोटा है, या फिर दूसरा केस क्या, मीन्स लूप फाइनली कब तक चलाना है, जब तक व्हाइल सी इज लेस देन एंटर्ड नंबर। दिस इज द कंडीशंस फॉर लूप्स। फाइनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोटल वेरिएबल्स कितने रिकॉर्ड हो, अगेन ऑलमोस्ट सेम एज प्रीवियस एग्जांपल्स। इन प्रीवियस एग्जांपल यू आर, इस प्रीवियस केस में एंटर क्या कराया था, अगेन इसके लॉजिक्स और स्टेप्स को अगर मैनेज करें, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस, वी आर राइटिंग हियर सोर्स कोड अलोंग विद एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, वाइड मैन प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस। फिबोनाची सीरीज को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड वेरिएबल्स क्या होंगे, ए का इनिशियल वैल्यू यूज करेंगे 0, बी इनिशियल वैल्यू ऑफ बी इज 1, सी इनिशियल वैल्यू इज 0। मीन्स इन 3 वेरिएबल्स के थ्रू फिबोनाची सीरीज को मैनेज करेंगे एज अ टर्म्स, नेक्स्ट वन। इसके अलावा रिक्वायर्ड क्या हुआ, इटरेटिव वेरिएबल्स, इटरेटिव वेरिएबल्स आई के थ्रू मैनेज करेंगे इंडेक्स ऑफ द फिबोनाची नंबर्स, सर्चिंग नंबर्स, देन जिस नंबर को सर्च करना है आइटम नंबर को मैं कंसीडर कर रहा हूँ एज अ वेरिएबल एक्स, दीज आर रिक्वायर्ड वेरिएबल्स, लाइक दैट। नेक्स्ट वन रीडिंग इनपुट्स, मीन्स इस केस में कोई भी नंबर डायरेक्टली रीड करने नहीं रीडिंग, इस केस में लूप कब पर चलाना, लूप स्टार्ट कहाँ से करना है, आई इक्वल्स टू 1। आई में से हमें से आई को मैनेज करने का मेन पर्पज क्या रहेगा, ओनली सर्चिंग आइटम का इंडेक्स मैनेज करना, सर्चिंग आइटम का इंडेक्स फाइंड आउट करना, इंडेक्स ऑलवेज 1 से स्टार्ट करेंगे, देन इससे जस्ट पहले रीड डाउन क्या करेंगे, प्रिंट एफ एंटर सर्चिंग आइटम और एंटर नंबर, प्रिंट एफ एंटर नंबर स्लैश एंड क्लोजिंग। नंबर्स को रीड करने के लिए सिंपली यूज करेंगे जो स्कैन एफ फंक्शन, देन आफ्टर दैट परसेंट डी एम परसेंट ऑफ नंबर इज एक्स, नंबर मैनेज किस फॉर्म होगा, एक्स के फॉर्म, इसलिए यूज क्या करेंगे एज अ एक्स। जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, तो एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने क्रिएट हो रहे हैं, वी आर राइटिंग और प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस फॉर रिक्वायर्ड नंबर्स और रिक्वायर्ड वेरिएबल्स ए बी सी आई एंड एक्स, ए बी सी आई एंड एक्स। ए के केसेस में इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, 1, 0 एंड सम गार्बेज वैल्यू। सपोज दैट वी आर एंटरिंग नंबर एज
15 means अगर x का entered value 15 है तो इस केस में लूप को कहां से स्टार्ट कराना है फ्रॉम 1 क्योंकि फिबोनाची सीरीज के केस में फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स में कंसीडर कर रहा हूं इंडेक्स विल बी स्टार्ट्स फ्रॉम 1 देन इस केस में टर्मिनेशन कंडीशन क्या था जस्ट प्रीवियस केस में डिस्कस किया था टर्मिनेशन कंडीशन क्या जब तक फिबोनाची नंबर c फिबोनाची नंबर करंट नंबर वाली मैंने किस में c के फॉर्म में जब तक c का वैल्यू x से छोटा है फाइल c इज लेस देन x देन इंडेक्स करंट एलिमेंट का इंडेक्स मैनेज करने के लिए यूज क्या करेंगे i++ सपोज दैट इन फर्स्ट टाइम और फर्स्ट केस वी आर एंटरिंग सम नंबर एज 8 एज यू नो 8 इज अ वैलिड फिबोनाची नंबर अगर x का वैल्यू 8 एंटर किया था इस केस में रिटर्न क्या होना डिस्प्ले क्या होना चाहिए करेस्पोंडिंग इंडेक्स सर्चिंग इंडेक्स ऑफ द 8 आफ्टर दैट सिंपली इस केस में नंबर्स का कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं करा के सिंपली कंपैरिजन परफॉर्म कराना है कंपैरिजन क्या है इस केस में इफ लाइक दैट इन दैट प्लेस वी आर डिस्प्लेइंग इफ इफ केस में डिस्प्ले क्या कराना है सिंपली एज कंडीशन कंडीशन क्या अप्लाई करना होगा इफ केस में मींस इफ केस में रियल में टेस्ट क्या करना मींस एंटर नंबर एक्स सी के इक्विवेलेंट है कि नहीं देन जैसे इस केस में कंडीशन फॉल्स होगा कंडीशंस के केस में दूसरा अदर पॉसिबल केस क्या है सिंपली डायरेक्टली इस केस में कोई भी इफ कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है सिंपली एवरी टाइम लूप कब तक चला हुआ जब तक नंबर जनरेट हो रहा था सिंपली एवरी टाइम इस केस में परफॉर्म क्या हुआ ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू C and C equals to A plus B exactly same as previous logics then closing this in that case means इस केस में जैसे C का value X से जब तक छोटा तब तक तो ये loop चलेगा जैसे इसका value terminate हो इसके according control का जाए outside body of loop अब check कर इस केस में जब control loop के बाहर आएगा then इस केस में कैसे identify करोगे number Fibonacci number or not In that case, we are testing first of all, जैसे इस loop का execution start हुआ, i का initialization किस हो रहा है? 1 से, i is initialized by 1, this is some output device monitor, like that, then first times comparison, c less than x, इस case में sequence mark करो, इसे आपको confused ना, first one, initialization, second one, condition testing, c का value क्या condition के अंदर, c less than x, x करंट केस में एंटर किया 8 और c का फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या 0 करंट वैल्यू ऑफ c इज 0 c मींस एवरी टाइम इट इज मैनेजिंग करंट नंबर्स नेक्स्ट कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू होने के केस में a में क्या आसान हो जाएगा a इक्वल्स टू b b का वैल्यू 1 इसलिए a का भी वैल्यू क्या होगा 1 नेक्स्ट टाइम b इक्वल्स टू c b का वैल्यू क्या है c का वैल्यू 0 इसलिए b में क्या आसान हो जाएगा आल्सो 0 नेक्स्ट टाइम c इक्वल्स टू a प्लस b a का वैल्यू 1 है b का वैल्यू 0 इसलिए c का वैल्यू क्या होगा दोनों का एडिशन 1 नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या होगा i++ इसलिए i का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 i वैल्यू बिकम्स 2 नेक्स्ट वन अगेन इस केस में सीक्वेंस मार्क करना था 2 दिस वन इज 3 4 5 6 देन अगेन कंडीशन टेस्टिंग है 7 7th केस में फिर से कंडीशन टेस्ट करेंगे देन पुट क्या करेंगे वैल्यू ऑफ c और C का करंटली वैल्यू क्या है 1 लेस देन 8 कंडीशन इज ट्रू अगेन कंडीशन ट्रू है देन परफॉर्म क्या कराएंगे इस केस में बॉडी एग्जीक्यूशन 8 9 8 के अकॉर्डिंग a में कैसा आन रहा है वैल्यू ऑफ b a इक्वल्स टू 0 b में आन रहा है वैल्यू ऑफ c व्हिच इज 1 c इक्वल्स टू a प्लस b 0 प्लस 1 इज अगेन 1 मींस लाइक दैट 9 देन फाइनली 10 11th केस में अगेन परफॉर्म कराएंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन i नाउ i बिकम्स 3 वैल्यू ऑफ i बिकम्स 3 नेक्स्ट वन व्हाट हैपेंस आफ्टर इंक्रीमेंट देन वी आर गेटिंग कंडीशन टेस्टिंग कंडीशंस के केस में क्या अगेन c लेस देन 8 c लेस देन x x का वैल्यू फिक्स्ड है करंट इटरेशंस में 8 लेकिन c का वैल्यू एवरी टाइम चेंज होने जा रहा है इसलिए c का वैल्यू नेक्स्ट टाइम अगेन क्या फाउंड हो रहा है 1 देयरफॉर अगेन सेम कंडीशन 1 लेस देन 8 कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू होने के इसमें फिर से चांस किसको प्रोवाइड होगा 13 a इक्वल्स टू b देन 14 a इक्वल्स टू b की असाइन करा हुए b का वैल्यू 1 है इसलिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1
सेम एज 14 केस में क्या b इक्वल्स टू c, c का वैल्यू 1 है इसलिए b में भी क्या आसान होगा ऑल्सो 1. नेक्स्ट टाइम c इक्वल्स टू a प्लस b, a प्लस b, a और b का वैल्यू क्या 1 1 इसलिए c का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस 1 इज 2. नेक्स्ट टाइम 15 के जस्ट बाद नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है i प्लस प्लस मींस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशंस i प्लस प्लस, i प्लस प्लस होने पर i का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, वैल्यू ऑफ i बिकम्स 4. देन अगेन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट कराएं कंडीशंस के केस में क्या c लेस देन x और c का वैल्यू क्या करंटली 2 लेस देन x, x वैल्यू इज 8. अगेन कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू देन बॉडी को चांस प्रोवाइड करेंगे 18 a इक्वल्स टू b, a का b का वैल्यू क्या 1 इसलिए a में भी क्या आसान होगा 1 एंड b इक्वल्स टू c, c का वैल्यू 2 इसलिए b में क्या आसान होगा 2 एंड c इक्वल्स टू a प्लस b, 1 प्लस 2 इज 3, वैल्यू ऑफ c बिकम्स 3. 18, 19 एंड 21 के केस में क्या अगेन i प्लस प्लस, नाउ वैल्यू ऑफ i बिकम्स 5. नेक्स्ट वन अगेन कंडीशन टेस्टिंग 22, नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट कराएं कंडीशंस में i का वैल्यू c का वैल्यू पुट डाउन करेंगे जब 3 लेस देन 8 कंडीशन इज ट्रू. नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन ट्रू इसलिए प्रोवाइड करें 23, 24, 25. इसे a इक्वल्स टू b, a का वैल्यू b का वैल्यू 2 फाउंड हो रहा है इसलिए a में क्या आसान होगा 2. नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इसको. नेक्स्ट केस a इक्वल्स टू b, b का वैल्यू 2 था इसलिए a में क्या आसान हो चुका है 2. सिमिलरली b इक्वल्स टू c, c का वैल्यू 3 इसलिए b में क्या आसान हो जाए 3 और एंड c इक्वल्स टू a प्लस b, 2 प्लस 3 इज 5, c वैल्यू बिकम्स 5. नेक्स्ट टाइम 25 का नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है 26 इज i प्लस प्लस, i बिकम्स 6. नेक्स्ट थिंग्स अगेन कंडीशन टेस्टिंग एज 27 सीक्वेंस, कंडीशन टेस्ट कराएंगे i का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा करंटली 5, 5 लेस देन 8, कंडीशन इज अगेन ट्रू, कंडीशन इज अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन इस केस में परफॉर्म क्या होगा कंट्रोल का जाएगा आउटसाइड सॉरी इनसाइड बॉडी 28, 28 में ए में क्या आसान होगा बी, बी का वैल्यू 3 है इसलिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ऑल्सो 3. सेम एज 29 के अकॉर्डिंग बी में आसान हो रहा है वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी इज 5, देयरफॉर वैल्यू बी बिकम्स ऑल्सो 5 एंड c इक्वल्स टू a प्लस b, a प्लस b, a का वैल्यू 3 है b का वैल्यू 5 है, 3 प्लस 5 बिकम्स 8 इसलिए c का वैल्यू क्या हो जाएगा 8. 25, 30, 31, i प्लस प्लस, i वैल्यू बिकम्स 7, i का वैल्यू क्या हो चुका है इस केस में 7. नेक्स्ट वन अगेन वी आर गेटिंग कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग c का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा करंटली c वैल्यू इज 8, therefore we are writing here 8 less than 8, condition becomes false, condition false हो चुका है इसलिए control का send हुआ outside body of loop, control loop के body के बाहर आ चुका then, अब आपको इस place पर कैसे पता चलेगा means condition means loop तो terminate हो चुका है because of that conditions, लेकिन इस loop के बाहर कैसे find out करोगे currently enter number Fibonacci number है कि नहीं, in that case आइडेंटिफाई कैसे करेंगे मीन्स अगर कंट्रोल लूप से बाहर आया है तो इसका मतलब क्या है वन थिंग क्लियर है सी का वैल्यू एक्स का वैल्यू सी से बड़ा नहीं है मीन्स अगर बड़ा होता तो फिर से कंडीशन ट्रू हो जाता मीन्स फिर से बॉडी एग्जीक्यूट मीन्स कंट्रोल अगर बाहर आया तो इसका मतलब क्या टू पॉसिबल केस है या तो सी का वैल्यू एक्स के इक्वल रहा होगा या फिर दूसरा केस क्या है सी बिकम्स ग्रेटर देन एक्स क्योंकि लेस देन एक्स ऑलरेडी कंपेयर हुआ है कंडीशन फॉल्स हुआ तभी तो कंट्रोल बार सेंड हुआ है पॉसिबल केस क्या होंगे दीज टू केसेस इन दैट केस फर्स्ट केस अगर सी का वैल्यू एक्स के इक्वल इक्वल है इसका मतलब नंबर कैसा नंबर इज फिबोनैसी नंबर इसका सीक्वेंस क्या है चेक करते हैं इस केस में कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे इफ सी इक्वल इक्वल एक्स C का वैल्यू क्या करंटली डायग्राम्स के अकॉर्डिंग 8 एंड X का वैल्यू क्या है ऑल्सो 8 कंडीशन इज ट्रू करंट केस में ट्रू होना भी चाहिए था कि 8 कैसा है 8 इज अ फिबोनैसी नंबर प्रिंट एफ यस नंबर इज फिबोनैसी नंबर
ठीक है। इसके अलावा इसका इंडेक्स डिस्प्ले कराना होता है, इंडेक्स के रिस्पेक्ट में यूज़ क्या करेंगे, डिस्प्ले क्या कराना है, यस नंबर इज फिबोनाची नंबर, देन इंडेक्स परसेंट डी और फाउंड द पोजिशन ऑफ फाउंड एट परसेंट डी पोजिशंस, मीन्स परसेंट डी के प्लेस पर डिस्प्ले क्या करा लेंगे, वैल्यू ऑफ आई, बिकॉज चेक करेंगे फर्स्ट वन जीरो वन वन, वन प्लस वन इज टू थ्री फाइव एट, एट का पोजिशन क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एट का पोजिशन क्या है, इस नंबर क्या था एट, लेकिन इसका पोजिशन क्या है सेवन्थ पोजिशन, चेक करो करेंटली आई का वैल्यू भी क्या है ऑल्सो सेवन, तो इसका मतलब इंडेक्स किसके थ्रू मैनेज किया था, आई के थ्रू, इसलिए डिस्प्ले भी क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ आई। दूसरा केस क्या हुआ, दिस कंडीशन मे बी फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है ना अगेन वन थिंग क्लियर है, इस नंबर लेस देन नहीं था इसलिए इसे कंडीशन फॉल्स हुआ है, इसका इसलिए कंट्रोल ब्रांच को आउटसाइड लूप, अगर ये का इक्वल भी नहीं, मीन अगर सी का वैल्यू एक्स से छोटा भी नहीं हो, एक्स के इक्वलेंट भी नहीं, देन एक्स से बड़ा है, इसका मतलब आगे टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, नंबर कैसा है, प्रिंट एफ नंबर इज नॉट अ फिबोनाची नंबर, नो नंबर इज नॉट अ फिबोनाची नंबर्स लाइक दैट, इस टाइप से टेस्ट करना पॉसिबल। सपोज दैट अगर एक्स का वैल्यू एट के प्लेस पर एंटर किया समथिंग टेन, इफ एक्स इज टेन, टेन होने के केसेस में अगेन ये कंडीशन कैसा हो जाता, मीन्स अगर इसी पार्ट को कंडीशन के बाद जस्ट अगेन फिर से कंटिन्यू करना चाहें रिस्पेक्ट टू एंटर नंबर इज टेन, प्रीवियस केस में कंपेयर किसके लिए कराया है, एट के लिए, सपोज दैट अगर एट के प्लेस पर टेन एंटर किया होता देन कंडीशन क्या होता इस केस में, ये रिसेंटली सी का वैल्यू क्या हुआ है एट, एट लेस देन टेन, कंडीशन अगेन नेक्स्ट टाइम कैसा ट्रू, ट्रू है तो फिर से ए में कैसा नहीं होता, ए इक्वल्स टू बी, बी का वैल्यू क्या है फाइव एंड बी इक्वल्स टू सी, सी का वैल्यू एट है इसलिए बी में कैसा हो जाएगा एट, नेक्स्ट टाइम सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, फाइव प्लस एट इज थर्टीन, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में थर्टीन, देन तीनों ऑपरेशन कंप्लीट करने के जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होने पर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा समथिंग एट, नेक्स्ट थिंग्स अगेन फिर से कंडीशन टेस्ट हुआ आई प्लस प्लस के जस्ट बाद परफॉर्म क्या करें कंडीशन टेस्ट, नेक्स्ट टाइम जब कंडीशन टेस्ट करें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आई सी वैल्यू क्या है, सी वैल्यू इज थर्टीन, आट इज द करेंट वैल्यू ऑफ सी थर्टीन, थर्टीन लेस देन एक्स, एक्स ऑलरेडी एंटर्ड एज टेन, इफ दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है देन कंट्रोल करना है आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, लूप के बाहर अगेन इफ कंडीशन टेस्ट करेंगे सी का वैल्यू क्या करंटली ऑलरेडी थर्टीन एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज टेन, दिस कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स, फॉल्स है तो चांस किस मिले एल्स ब्लॉक को डिस्प्ले किया जाए नो नंबर इज नॉट अ फिबोनाची नंबर, मीन्स फाइंड इस टाइप से लॉजिक से अप्लाई करके गिवन लॉजिक्स के थ्रू करंट नंबर फाइंड आउट करना पॉसिबल हुआ, इज इट फिबोनाची नंबर और नॉट, अगर फिबोनाची नंबर है तो किस टर्म में अवेलेबल, टर्म किसके थ्रू मैनेज किया है द हेल्प ऑफ वेरिएबल वैल्यू एज आई।